हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ टू इयर्स ऑफ सौराष्ट्र लिमिटेड आर एज फॉलोज, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये वर्ड आप ध्यान देना, ऐसे नहीं कि एग्जाम में सीधा आपने कॉलम्स बना दिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट हो तो आपको परसेंटेज वाले कॉलम बनाने हैं, एंड कंपैरेटिव हो तो इंक्रीज डिक्रीज आपको बनाना है। एनीवे हेडिंग देंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सौराष्ट्र कंपनी एज ऑन 16 एंड 17। पहले हम इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज करेंगे। सो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैं एज इट इज नोट डाउन कर लेता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लैक्स, पहले 16 के नंबर्स लिख रहा हूँ मैं। जनरल रिजर्व 6 लैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस 6 लैक्स, 9% बैंक लोन 15 लैक्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 2 लैक्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज 6 लैक्स, टोटल अमाउंट 60 लैक्स। 16 के नंबर्स एज इट इज जैसे दिए हुए थे वैसे मैंने नोट डाउन कर लिए। पहले यहां पर हम इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज देखेंगे और फिर नेक्स्ट पेज पर हम असेट्स देखेंगे। अब हमें यहां पर क्या करना है आगे वो समझो। जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सेल्स को 100% ले रहे थे, वैसे यहां पर हम टोटल ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना, चाहे एसेट साइड हो या लाइबिलिटी साइड, सेम होता है, उसको 100% ले लेंगे। मींस 100% हम 60 लैक्स को ले लेंगे, ये 60 लैक्स 100% है। अब हमें सारी लाइबिलिटीज के परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, वो कैसे ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल है 25 लैक्स, सो 25 लैक्स डिवाइड बाय 60 लैक्स इनटू 100, तो आंसर आया 41.67%। 41.66666 है, सो हमें थर्ड एंड फोर्थ डिजिट को देखना होता है, अगर वो 50 या 50 से ज्यादा हो तो 67 कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये रहे 41.67%। सेम जनरल रिजर्व 6 लैक्स हैं और टोटल ऑफ बैलेंस शीट 60 लैक्स है। अगर 60 लैक्स में से 6 लैक्स जनरल रिजर्व हैं तो वो टोटल ऑफ बैलेंस शीट का 10% है। सेम 6 लैक्स अपॉन 60 लैक्स इंटू 100 10%, 15 लैक्स अपॉन 60 लैक्स इंटू 100 25%, 2 लैक्स डिवाइड बाय 60 लैक्स इंटू 100 3.33 एंड 6 लैक्स डिवाइड बाय 60 लैक्स 10%। ये जो पूरी वैल्यूज दी हुई हैं ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई है। ये हमें बताती हैं कि 60 लैक्स का जो बैलेंस शीट है उसमें से 41.67% इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10% रिजर्व्स हैं, 6 लैक्स दैट मीन्स 10% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 25% बैंक लोन है। सो हम बैलेंस शीट के टोटल से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास असेट्स एंड लाइबिलिटीज कितनी हैं। अब सेम यही नंबर्स मैंने 17 के लिए लिख दिए सारे, और 17 का जो टोटल है उसे 100% ले लिया। अब क्या करना है, अब यही काम 100% हम 75 लाख से करेंगे, क्योंकि अब टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना आ गया है 75 लाख। सो 25 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 75 लाख इंटू 100, सो 33.33% इक्विटी शेयर कैपिटल है। जितना टोटल है बैलेंस शीट का उसमें से 33.33% इक्विटी शेयर कैपिटल है। वंस अगेन ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई हैं।
सेम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। सो 15 लाख हर एक वैल्यू को यही करना है आपको, 15 लाख डिवाइड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट 75 लाख इनटू 100, तो ये हो गया 20%। तो ये देखिए 20%, 10, 6, 20, 8, 2। अब हमें ये पता चल रहा है कि जो 100% टोटल है उसका 2% करंट लाइबिलिटीज़ हैं, 8% शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, 20% बैंक लोन है। सो इसे कहते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है। ये हमने लाइबिलिटी साइड कंप्लीट किया, सेम इसी का ही एसेट साइड भी कंप्लीट करेंगे। तो ये सेम वैल्यूज अब एसेट्स, तो ना हम एसेट्स नोट डाउन कर लेते हैं पहले जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। मैंने बताया था आपको बहुत ही इजी चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है पार्ट टू का। नाउ जैसे एसेट्स दी हुई हैं पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स में मशीन्स हैं 20 लाख, बिल्डिंग 15 लाख, ट्रेडमार्क 340, गुडविल 0, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15 लाख, डेटर्स 3 लाख, स्टॉक 240 एंड कैश इक्विवेलेंट 120, टोटल अमाउंट 60 लाख। अब हमें यहां पर यही सेम परसेंटेज रिपीट करने हैं, कैसे देखिए 16 का टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 60 लाख, जिसमें से 20 लाख की मशीन्स हैं। सो 20 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इनटू 100 सो 33.33%। फिर से लैंड एंड बिल्डिंग है 15 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इनटू 100 तो वो है 25%। अब यहां पर देखिए इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो टोटल 60 लाख है ना, हमने उसे 100% ले लिया। इस 100% में से 33% के मशीन से 25% के लैंड एंड बिल्डिंग है एंड बाकी के सभी ऐसे कैलकुलेट करेंगे सेम उसी मेथड से कि 1,20,000 का कैश है जो टोटल एसेट्स का 2% है, स्टॉक टोटल एसेट्स का 4% है, डेटर्स टोटल एसेट्स के 5% हैं। ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई हैं आपको। अभी हमने 16 के लिए कर लिया, अब सेम उसी मेथड से 17 की सारी वैल्यूज लिख दी एंड नाउ सॉरी 17 के नंबर्स देखेंगे। 15 लाख की मशीन्स हैं, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 75 लाख है, इनटू 100 दैट मीन्स 20% के मशीन्स हैं इनके पास। सो 75 लाख को 100% लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस 100% एसेट्स में से 20% मशीन्स हैं, 33.33% लैंड एंड बिल्डिंग है, 6.67% ट्रेडमार्क है, 6% गुडविल, 20% इन्वेस्टमेंट, 5% डेटर्स, 5% स्टॉक एंड 4% कैश है। सो इसे कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स ये दोनों पेज अब आप नोट डाउन कर लो, आगे मैंने लाइबिलिटीज लिखी हैं, अगर आपके पेज में यहाँ जगह है तो आप एसेट्स कंटिन्यू कर लेना यहाँ पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। सो ये पहले आप नोट डाउन कर लो यहाँ पर। ये सेकंड पेज है,
सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 14।